तो हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आप सभी का। लेकर आ रही हूँ एक और ऑडियो बुक समरी, तो चलिए शुरू करते हैं आज की समरी। इस किताब का नाम है डू एपिक शिट, लेखक है अंकुर वर्रिको। दोस्तों डू एपिक शिट का सरल शब्दों में मतलब है कुछ हटकर करो, भीड़ से अलग सोचो। अलग सोचने से आप न केवल पर्सनल ग्रोथ कर पाओगे बल्कि प्रोफेशनल, फाइनेंशियल और सोशल सभी क्षेत्रों में सफल बनेंगे। इससे आप इतना कुछ अचीव कर लोगे कि दुनिया आपको याद रखेगी। लेकिन आप दुनिया से अलग कैसे कर सकते हो, यानी एपिक चीज कैसे बना सकते हो, यही सब आगे लेसन्स में बताया गया है। एक, ग्रो योर पैशन। लेखक कहते हैं कि कई बार पैशन होता नहीं है बल्कि ग्रो किया जाता है। बहुत हद तक यह सही भी है। जैसे बहुत से लोग स्विमिंग नहीं जानते इसलिए वे उसके बारे में ज्यादा पैशन नहीं रखते, लेकिन अगर एक बार वे सीख जाएं तो हो सकता है यह उनके लिए पैशन बन जाए। ऐसा होने से वे स्विमिंग में और भी ज्यादा महारत हासिल कर सकते हैं और नए नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि जो भी स्किल आपने सीखी है अगर वह बोरिंग भी है तो भी आप उसमें पैशन ग्रो कीजिए। इससे आप उसे और भी अगले लेवल तक ले जा सकते हो। आप उस स्किल से प्यार कीजिए, इससे आप उसके एक्सपर्ट बन जाएंगे और कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। दूसरों की देखा देखी कुछ भी मत कीजिए, इससे आप कॉपी कैट ज्यादा लगोगे। दो, थिंक लाइक अ लीडर। एक लीडर की तरह सोचना सीखिए। सारी जिंदगी लोग दूसरों को ही लीडर मानते रहते हैं और सोचते हैं कि जैसे ऑर्डर दूसरे देंगे वे वैसे ही उन्हें मान लेंगे, लेकिन आपको ऐसा माइंडसेट बदलना होगा और लीडर का माइंडसेट अपनाना होगा, नहीं तो ऑर्डिनरी ही बन कर रह जाएंगे। लेकिन लीडर बनने के चक्कर में डिक्टेटर ही न बन जाएं। अच्छा लीडर पहले खुद स्टैंड लेता है, हर चीज में हाथ डालता है, बहादुरी दिखाता है, तभी उसे जनता का समर्थन मिलता है। उसमें दूसरों के दर्द को समझने की शक्ति होती है और अन्याय के प्रति आवाज उठाने की हिम्मत भी। लीडरशिप की क्वालिटी हर क्षेत्र में काम आती है। अगर कल को आपको एंटरप्रेनर भी बनना है तो वहाँ भी लोगों को लीड करना पड़ेगा। इसलिए एम्पथी यानी दूसरों की पीड़ा की समझ डेवलप कीजिए, लोग आपका दिल से सम्मान करेंगे। तीन, बी क्यूरियस। अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आपको क्यूरियस, जिज्ञासु होना पड़ेगा। बचपन में हर कोई क्यूरियस होता है, लेकिन धीरे धीरे हम अपना वो ट्रेड खो देते हैं। हम जॉब में फंस जाते हैं और सिर्फ दूसरों के ऑर्डर के मुताबिक काम करते रहते हैं। इससे लाइफ बेहद बोरिंग होकर रह जाती है। लेकिन अगर आप बड़े होकर भी क्यूरियस बने रहेंगे तो आपको नए नए आइडियाज आते रहेंगे। किसी नए आइडिया से आप अपना कोई स्टार्टअप या कंपनी शुरू कर सकते हैं और एक एंटरप्रेनर बनकर आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। चार, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। कई बार हम कोई बड़ा काम करना चाहते हैं लेकिन उसे टालते रहते हैं। जैसे बहुत से लोग फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं लेकिन कभी इसके लिए जरूरी कदम ही नहीं उठाते, बस बहाने देते रहते हैं। बहुत से लोग जॉब का बहाना देते रहेंगे, लेकिन अगर कोई चाहे तो जॉब के साथ साथ भी बहुत कुछ किया जा सकता है। ऐसे ही कुछ लोग ब्लॉग तो लगाना चाहते हैं, लेकिन सोचते रह जाते हैं। इसलिए आप सोचिए कम और करिए ज्यादा, एकदम से एक्शन लेने की आदत डालिए। शुरू में काम परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन आप धीरे धीरे उसमें सुधार ला सकते हैं। पाँच, अवॉर्ड रैट रेस। आजकल लोग रैट रेस में फंसते जा रहे हैं, सबको एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची हुई है। अगर एक आदमी किसी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में जा रहे हैं तो दूसरे के दिमाग में खलबली मच जाती है। वह सोचता है कि मैं पीछे कैसे रह गया, और वह भी आगे से ऐसे सेमिनार आदि में जाने लगता है। वह यह नहीं सोचता कि क्या सच में उसे इसकी जरूरत है भी या नहीं, क्या यह उन्हें खुशी देता भी है या जबरदस्ती किया जा रहा है।
इसलिए खुद को दूसरे से कंपेयर करना बंद कीजिए। आप जैसे भी हैं अच्छे हैं। आप बस अपना पैशन ढूंढिए और उसी को फॉलो कीजिए। यही सिद्धांत फेमस किताब इकिगाई में भी दिया गया है। 6. रिलेशनशिप रूल्स रिस्पेक्ट एम्पथी एंड सिंपथी। दोस्तों, अगर आपको कोई भी रिलेशन सही रखना है तो यह 3 रूल्स याद रखें। पहला, हर किसी की रिस्पेक्ट करे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अपना हो या बेगाना। दूसरा, सबसे एम्पथी रखे, इसका मतलब है दूसरे के दर्द को समझना। बहुत से लोग स्वार्थी हो जाते हैं, उन्हें बस अपनी अपनी पड़ी होती है। अगर आप सबका हित सोचेंगे तो वे लोग हमेशा आपका दिल से सम्मान करेंगे और यही चीज आपकी सफलता के रास्ते में भी काम आएगी। कहीं ना कहीं से आप तक भी हेल्प आ जाती है। तीसरा, सिंपथी यानी सहानुभूति देना। अगर कोई दिक्कत में या प्रॉब्लम में है तो उनकी सुने और उन्हें सहानुभूति दे। बहुत बार लोग अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो हम उन्हें मजाक में उड़ा देते हैं। इससे दूसरे आदमी को और ज्यादा हर्ट होता है, फिर वे कभी आपका सम्मान भी नहीं कर पाते। इसलिए सबको उचित सलाह दे या हेल्प करे। 7. सक्सेस एंड फेलियर। जिंदगी में हमें बड़ा बनाने में सफलता का इतना रोल नहीं होता जितना कि फेलियर का। लोगों को लगता है कि सक्सेस ही सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। फेलियर हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमें पता चलता है कि हमने कौन से गलतियां की हैं और उन्हें दोबारा करने से बचते हैं। साथ ही हमें फेलियर से दर्द होता है, इससे भी हम साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं। हम सीखते हैं कि दर्द से कैसे उबरना है और हम बाउंसिंग बैक करना सीख जाते हैं। फिर फ्यूचर में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती। इसलिए फेल होने से कभी मत डरिए। जो कभी फेल नहीं हुआ है, इसका मतलब है उसने कुछ नया ट्राई भी नहीं किया है। 8. हैबिट ऑफ वर्क। लेखक कहते हैं कि जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए आपको गोल ही नहीं बल्कि हैबिट्स बनानी चाहिए। आपको एक ही काम लगातार सालों तक करते चले जाना है। जैसे अगर कोई राइटर बनना चाहता है तो रोज लिखे, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। सालों के बाद उसकी हजारों रचनाओं में अगर 100 भी अच्छी होंगी तो वे उसे महान लेखक बना देंगी। ऐसा हर काम के लिए कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। खासकर ब्लॉगिंग में भी यही करना पड़ता है। शुरू के 6-7 महीनों में तो कोई रिजल्ट ही नहीं मिलता है, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते चले जाते हैं आपका ब्लॉग ग्रो करने लगता है। अधिकतर लोग 5-6 महीने में ही क्विट कर देते हैं, इसलिए उन्हें ब्लॉगिंग में सफलता नहीं मिलती। मैंने भी हर दिन 500 शब्द लिखने की हैबिट बना ली है और मैं जॉब भी करता हूँ। उम्मीद है कि आने वाले सालों में मेरा यह ब्लॉग भी ग्रो कर जाए। इसलिए अच्छी हैबिट्स में गजब की ताकत होती है। 9. अवेयरनेस। दोस्तों, अवेयरनेस का मतलब है खुद को समझना। हमें लगता है कि हम खुद को जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको खुद को दूसरों के नजरिए से भी देखना होगा। जैसे हो सकता है आप बच्चों पर गुस्सा कर रहे हो, आपको लगता होगा कि गुस्से से बात करने से वे कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन आपको अवेयरनेस लानी होगी कि इससे हो सकता है वे ढीठ बन जाए, झूठ बोलना सीख ले और आपका सम्मान भी न करें। अवेयरनेस लाने के बाद आपको अपने हर बिहेवियर को चेंज कर लेना चाहिए। जैसे डांटने की जगह आप मोटिवेशन से बच्चों को ठीक राह पर चला सकते हैं। उन्हें अच्छी किताबें दें, इनसे वे खुद ही अच्छा ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे। इस तरह अपने अंदर झांके और देखें कि जो चीज आपको अपने बारे में सही लगती है कहीं वह गलत तो नहीं है। जैसे पब्लिक स्पीकिंग का डर क्या सच में लॉजिकल है या वह सिर्फ आपका अपना बनाया हुआ है। तो इस तरह से हमें अपने अंदर हर नेगेटिव चीज के लिए अवेयरनेस लानी होगी। इससे आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही सुदृढ़ बन जाएगी। 10. एंटरप्रेन्योरशिप। दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत टफ है, लेकिन इन 4 चीजों से यह आसान हो जाती है। इसे टाइम दीजिए, हर दिन काम करिए, फेलियर से मत डरिए और चेंज को एक्सेप्ट कीजिए। कंक्लूजन।
तो दोस्तों यही है डू एपिक शिट समरी। उम्मीद है इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप भी इन सुझावों को काम में लाइए और लाइफ में कुछ बड़ा करने की सोचिए। इससे आप अपनी और समाज की बहुत हेल्प कर पाएंगे। पढ़ने के लिए धन्यवाद। समाप्त।